A man raises a mass m to a height of h and then shifts it horizontally by length x. What is the work done against the force of gravity? मास को वो एच हाइट ऊपर लिया और लेफ्ट में एक्स मूव करा दिया उसने, तो हमें आदमी का काम अगेंस्ट द ग्रेविटी यानी कि आदमी ने कितना काम किया। तो जब आदमी यहाँ से लेके जा रहा था तो आदमी जो है वो ग्रेविटी तो नीचे फोर्स लगा रही है, आदमी ऊपर फोर्स लगा रहा है, फोर्स बाय मैन जो कि ऑब्वियसली ग्रेविटी के बराबर है, और डिस्प्लेसमेंट जो है वो एच के बराबर है, तो वर्क डन बाय मैन जो होगा वो एम जी एच होगा। नाउ इफ दिस मैन मूव्स इट टूवर्ड्स लेफ्ट ही इज स्टिल अप्लाइंग फोर्स अगेंस्ट द ग्रेविटी, तो उसका फोर्स ऐसे है और डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ एक्स होता है, तो ऐसे में वर्क डन जो होगा वो होगा क्या हुआ एम जी इंटू जीरो, बिकॉज हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट हमेशा सेम डायरेक्शन में होना चाहिए तभी वर्क डन माना जाता है, और वो सेम डायरेक्शन में नहीं है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन का कोई भी कॉम्पोनेंट ऊपर नहीं हो सकता क्योंकि ये बिल्कुल 90 डिग्री पर है, या फिर इसको डायरेक्टली आप फॉर्मूले से भी कर सकते हैं जिसे बोलते हैं एम जी एक्स कॉस 90, क्योंकि दोनों के तो 90 के हिसाब से भी यह जीरो हो जाएगा। मैंने कंसेप्चुअली सॉल्व किया कि इस डायरेक्शन का कोई कॉम्पोनेंट ऊपर नहीं होगा, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं फोर्स के डायरेक्शन में, बिकॉज वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हेंस वर्क डन इज जीरो। रिमेंबर दैट अगर ये डिस्प्लेसमेंट ऐसा होता तो फिर ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ ना कुछ कॉम्पोनेंट जो है वो इधर भी है और इधर भी है, इधर तो कैंसिल ले लेते, इधर एक्सेप्ट कर लेते वो डिस्प्लेसमेंट, तो ध्यान रखें इस बात का।